नहीं, तो मेरे अंदर नेता का छवि नहीं है, समाज सेवक हैं, समाज सेवक ही रहेंगे, हर प्रतिनिधि का या आम जनता का ख्वाहिश पूरा करेंगे। बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। जी नमस्कार, स्वागत है आपके एसयू न्यूज मोर में, हूँ आपके साथ यूनुस। बढ़िया का नगर पंचायत चरम सीमा पर है, 10 तारीख को वोटिंग होनी है। तमाम लोग क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। आज सुरहिया की बात की जाए तो जो कि हासिम मुखिया पूर्व मुखिया रह चुके हैं और ये भी चुनावी मैदान में हैं, सुर्खियां में हैं, लेकिन आज बढ़रिया में ये अपना जनसंपर्क कर रहे थे। इसी के बीच हमें उनसे मुलाकात हुआ। हम जानेंगे जनता के मिजाज क्या है, आखिर जब जनता के बीच जा रहे हैं तो कौन सा विश्वास के साथ अपने वोट की उम्मीद जता रहे हैं। तो चलिए नेताजी, स्वागत है आपका। आपके विश्वास आपके चैनल का। जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का रुझान क्या है आपके प्रति? लोगों के पास जाने के बाद बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा मुझे और उम्मीद है कि आगे भी अच्छा मिलेगा। क्या लग रहा है, पहली मरतबा नगर पंचायत हुआ है, पहली मरतबा हासिम मुखिया बाजी मार देंगे इस पंचायत से? ये धांचे परसेंट है। लोगों क्या विश्वास दिला रहे हैं, कौन सा उम्मीद के साथ वोट मांग रहे हैं? जैसे मेरे मुखिया के कार्यकाल में सभी लोग काम, मेरे कार्यक्रम देखे हैं, उसके अनुसार मैं विश्वास दिलाता हूँ, उससे बेहतर करके ही दिखाऊंगा। अब तो बहड़िया में मार्केट इसमें कोई दुराई नहीं है, जब आँख खोलते हैं तो बहड़िया में खोलते हैं आप। बहड़िया का समस्या क्या है? बहड़िया समस्या, पहली बात पानी की समस्या है, निकासी नहीं पा रही है। दूसरा स्टैंड नहीं है यहाँ। तीसरा वो काफ़ी ट्रैफिक लग जाता है, इस पर हम लोग काम करेंगे। तो जो लोग घर बनाए हैं, जो लोग अपने दुकान बनाए हैं, रोड में अधिकतर बना दिए हैं, तो इसे कैसे नहीं दिलवा पाएंगे आप? वो तो प्रशासन के ही काम है, मेरा सहयोग रहेगा उस पर। तो फिर जीते हुए जनप्रतिनिधि आप जनता के प्रतिनिधि करेंगे तो फिर इसको कैसे निजात दिलाएंगे? कुछ तो उपाय लगाएंगे आप ना? बिल्कुल उपाय लगाएंगे, कार्य तो करेंगे इसमें। तो क्या लग रहा है, जनता मूड बना चुकी है इस मरतबा बहड़ी नगर पंचायत की? जी बेशक बना चुकी है। बुजुर्गों को क्या कुछ आशीर्वाद मिल रहा है आपको, चूँकि आप शुरू से नेता रहे हैं इस लाइन में? जी सबका सहयोग है मेरे साथ, सबका सपोर्ट भी है। जीतने के बाद उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे आप? बिल्कुल 100%, ये पूरा गारंटी है। जी फुल गारंटी है इसके लिए। ऐसा नहीं ना कि नेता ये जीतेंगे और फिर भरना शुरू कर देंगे? नहीं नहीं, तो मेरे अंदर नेता का छवि नहीं है, समाज सेवक हैं, समाज सेवक ही रहेंगे, हर प्रतिनिधि का या आम जनता का ख्वाहिश पूरा करेंगे। आपको चुनाव चिन्ह क्या मिला इस मतलब? टमटम छाप जी। क्रमांक संघ कितना पड़ रहा है? 5वें। क्या कुछ जनता से अपील कीजिएगा बहड़ी नगर पंचायत के लोगों से? मेरा जनता से अपील है, भारी से भारी मतों से विजयी बनावे और जनता की जो भी सोच परेशानी दुख परेशानी होगा उस सब में शामिल रहेंगे। हम लोग खुद पब्लिक खड़ा करवा बानी सर, ठीक बा, यहाँ के 5 बरस मुखिया कर चुकल बानी, बहुत अच्छा काम कर बानी, यही पर दिल लगे कि हमने के पंचायत से यहाँ के जीती, अच्छा रही, सारा पब्लिक खुश बा, पूरा पब्लिक। हाँ हाँ, विकास बहुत बढ़िया, उम्मीद तो बहुत बढ़िया बा, पंचायत में देखा चुकल बनी हमी के। नहीं तो गाँव में ईमानदार समझदार आदमी देखी थी, ओकरे आदमी कोई छू नहीं, ईमानदार तो सब ईमानदार लिखल लगी थी, हमारे कह के देखौले बनी आगे, ये तो कह के हमारे देखौले बनी बात के लिए बात। बस फागू राम, चलिए यंग है, क्या कुछ कहेंगे? जनसंपर्क आप लोग काफ़ी तेजी से कर रहे हैं हासिम मुखिया के साथ, रुझान क्या है पब्लिक का आप लोगों के प्रति? पब्लिक ही हासिम मुखिया को मैदान में आने के लिए इनवाइट किया है और पूरे बढ़रिया क्षेत्र से उनका फुल समर्थन मिल रहा है। हम लोग भी जी जान से उनके साथ लगे हुए हैं। इसका कारण एक ही है कि वो जब पहले दौर में अपने मुखिया कार्यकाल में थे तो ज़्यादा से ज़्यादा काम किए हैं, अपना ईमानदारी साबित किए हैं और इसलिए जनता उनको अपने पलकों पर बिठाए हुए है। तो ऐसा तो नहीं कि जैसे कि कई ऐसे मुखिया लोग पिछले बार के मुखिया चुनाव में जो पुराने मुखिया दोनों को हरा कर नया नया चेहरा मार्केट में लाया गया, तो ऐसा नहीं कि पब्लिक नया चेहरा मार्केट में लाना चाहेगी? अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक चुनाव हुआ था,
उसमें भी कुछ नए चेहरों को पब्लिक ने सेलेक्ट किया था, लेकिन वो सही अपने यकीन पे इरादे पे उतरे नहीं। इसलिए इन्होंने पहले से साबित कर दिया है, जनता का विश्वास जीता है, इसलिए जनता उनके साथ है, सपोर्ट दिया है। यही है। मेरा शुभ नाम राजा मुराद सिद्दीकी है।